हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। ये अपडेट आपको YouTube एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा और अगर आप YouTube जैसे ही ओपन करते हैं और YouTube पर कोई भी कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं तब आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में एक छोटा सा अपडेट आया है जो लगभग स्टेटस की तरह ही लगता है। यहाँ पे अपडेट क्या है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम अपने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में आ चुके हैं। यहाँ से आपको पता ही है कि हम कोई भी कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हैं जो YouTube पर अपलोड हो जाती है और जिसे बहुत से लोग देख सकते हैं और उसे लाइक भी कर सकते हैं, उसमें कमेंट भी कर सकते हैं और ये सबको शो होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट YouTube ने जोड़ दिया है जो भी YouTube पर कम्युनिटी पोस्ट का यूज करेंगे उन सभी के लिए। अभी अपडेट है क्या, देखिए जैसे आप YouTube पर कोई भी पोस्ट करते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि आपको राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको 24 आवर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये फीचर है क्या, देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके अपनी कोई भी पोस्ट डालते हैं तो वो पोस्ट 24 घंटे तक रहेगी। जैसे स्टेटस में आपकी वीडियो या जो भी आपकी फोटो है वो 24 घंटे तक रहती है फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर, ठीक वैसे ही आप अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट को भी 24 आवर्स के लिए पोस्ट कर सकते हैं जो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, पर 24 घंटे तक स्टेटस की तरह दिखाई देगी आपके YouTube चैनल पे। ये एक छोटा सा फीचर YouTube की तरफ से सभी क्रिएटर्स को दिया गया है जो भी एलिजिबल है YouTube की कम्युनिटी पोस्ट के लिए और जो भी कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं उन सभी के लिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।